हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एमआई A3 फ़ोन के कैमरे के बारे में। इसके डीआर में टोटल 3 कैमरा है। जो मेन कैमरा है वो एक 48 मेगापिक्सल कैमरा है, सोनी 586 सेंसर इसमें यूज़ किया है। सेकेंडरी जो कैमरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा है। ये जो पोर्ट्रेट आप खींचते हो उसमें वो बैकग्राउंड जो ब्लार होता है, बोके होता है, वो खींचने में ये मदद करता है। और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इसमें दिया है। टोटल 3 कैमरे का सेटअप है। देखिए, प्राइमरी जो 48 मेगापिक्सल कैमरा है वो 1.0 एपर्चर का है, और जो 8 मेगापिक्सल का है वो 2.2 एपर्चर का है, और 2 मेगापिक्सल का जो है वो 2.4 एपर्चर का है। और इसके सामने फ्रंट जो कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का कैमरा है और उसका एपर्चर f2.0 है। चलिए नेक्स्ट हम कैमरा ऐप को ऑन करके देखते हैं इसमें क्या फीचर्स है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कैमरा ऐप को ऑन किया है। बहुत ही सिंपल सेटिंग्स है। यहाँ पर फास्ट ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर देखिए, यहाँ पर फ्लैश, ऑफ, ऑटो, ऑन और टॉर्च, ये 4 ऑप्शंस है। उसके बाद HDR ऑप्शन है, इसको आप ऑफ करके रख सकते हो, ऑटो करके रख सकते हो, ऑन करके भी रख सकते हो। इसके बाद AI मोड है, इसको आप क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगा। जब ये ब्लू होगा तो ऑन है, इसको आप क्लिक करोगे तो ये ऑफ है। यहाँ पर देखो ब्यूटी मोड है और बहुत सारे फ़िल्टर्स यहाँ पर है। आप फ़िल्टर्स यूज़ करके फ़ोटो खींच सकते हो। देखो, मैं फ़िल्टर ट्राई कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स है। सेटिंग्स में पहले देखिए, यहाँ पर सेव लोकेशन इन्फो है। अगर इसको ऑन करेंगे तो लोकेशन आपका ऑन होगा, फ़ोटो में लोकेशन टैग होगा। कैमरा साउंड्स ऑफ करके रखेंगे तो साउंड नहीं आएगा, नहीं तो वो जो शटर साउंड है वो आएगा। नेक्स्ट है पॉकेट मोड, सेव टू SD कार्ड, सेव प्रीवियस मोड, ये सब मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कैमरा वाटरमार्क, ये डिस्कस करता हूँ। इसमें देखिए मेरा ऑफ है, इसको अगर आप ऑन करेंगे, यहाँ पर ऑन करेंगे तो कस्टम वाटरमार्क में आप चेंज करके अपना नाम भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे और सेव करेंगे तो वो फ़ोटो में आपका फ़ोटो के नीचे उसका नाम आएगा, वो वाटरमार्क आपके एवरी फ़ोटो में आएगा। तो आप ये ऑन कर सकते हो, वाटरमार्क देख सकते हो अपने फ़ोटो में। नेक्स्ट है शो ग्रिड लाइंस। ये ग्रिड लाइन देखा था कैमरे के ऊपर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट है या स्ट्रेट नहीं है, ये देखने के लिए ग्रिड लाइन काम आता है। नेक्स्ट है करेक्ट डिस्टॉर्शन इन अल्ट्रा वाइड शॉट। अगर आप जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उससे फ़ोटो खींचेंगे तो कभी कभी वो डिस्टॉर्शन आ जाता है तस्वीर में। अगर आपको ये आप अगर ये सिलेक्ट करके रखेंगे तो वो डिस्टॉर्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट सॉफ्टवेयर में करेक्ट हो जाएगा। फोकस एंड शूट, ये अगर आप टिक करेंगे तो जब मिडिल में आप फोकस करेंगे, मैं दिखा देता हूँ, इसको अगर मैं ऑन करता हूँ, देखिए वो सेटिंग्स वहाँ पर मैंने ऑन किया है, इसीलिए एक यहाँ पर कैमरा बटन आया है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट फोकस भी होगा, उसके साथ ये तस्वीर भी खींच लेगा। अगर मैं इस सेटिंग को ऑफ कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर वो कैमरे का जो आइकॉन आ रहा था वो नहीं आ रहा है। यहाँ पर फोकस करने से क्लिक नहीं होगा, आपको यहाँ से क्लिक करके जो मेन क्लिक बटन है वो वहाँ पर क्लिक करके तस्वीर खींचना पड़ेगा। अगर बास्ट शूट ऑन करके रखेंगे तो ये कंटिन्यूस फ़ोटो खींचेगी। मिरर फ्रंट कैमरा, जो सेल्फी कैमरा होता है उसका अगर मिरर आप ऑफ करके रखेंगे तो मिरर नहीं, तस्वीर मिरर उल्टी नहीं होगी, और ऑन करके रखेंगे तो उल्टी होगी। पिक्चर क्वालिटी, यहाँ पर हाई, स्टैंडर्ड, लो, 3 पिक्चर क्वालिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कैमरा फ्रेम है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेम रेट आपको कितना चाहिए। यहाँ पर गूगल लेंस है और यहाँ पर 48 मेगापिक्सल कैमरा है, मतलब अगर आपको 48 मेगापिक्सल वाला तस्वीर चाहिए, ये 48 मेगापिक्सल ऑन करके आप तस्वीर खींचेंगे तो 48 मेगापिक्सल वाला तस्वीर आपको मिलेगा। अगर 48 मेगापिक्सल ऑप्शन ऑन करके आप फ़ोटो खींचेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस एक्वायर करेगा। उसके बाद नीचे के मेनू में आते हैं। यहाँ पर देखिए, देखिए कैमरा ऑन करते आपको ये इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर देखिए 3 डॉट है, फर्स्ट जो है 1x, मतलब ये मेन कैमरा है। इसके नीचे आप क्लिक करेंगे तो देखिए 0.6x दिखा रहा है, मतलब आप अभी अल्ट्रा वाइड एंगल जो लेंस है वो यूज़ कर रहे हो। देखिए तो काफ़ी वाइड तस्वीर आपको मिल रहा है, लैंडस्केप के लिए काफ़ी अच्छी है। ऊपर का जो स्विच है इसे आप क्लिक करते 2x जूम हो जाता है। ये 2x जूम ऑप्टिकल जूम नहीं है, ये एक डिजिटल जूम है,
तो अगर आप ये जूम यूज़ करके तस्वीर खींचेंगे तो तस्वीर क्वालिटी थोड़ा ख़राब होगा, इसलिए 1x में क्लिक करना ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। जो पोर्ट्रेट मोड है यहाँ पर देखिए एक डेप्थ इफेक्ट बटन है, इसको क्लिक करके आप तय कर सकते हो कौन सी एपर्चर में आप तस्वीर खींचना चाहते हो। जो आपकी ब्लार बैकग्राउंड ब्लार होगी वहाँ यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है नाइट मोड। नाइट मोड में क्या होता है, अगर आप लो लाइट में तस्वीर खींच रहे हो तो हैंड स्टेडी रखना चाहिए आपको, स्टेडी रख के आप ये तस्वीर खींच सकते हो नाइट मोड में। तो नाइट मोड में थोड़ा डिटेलिंग अच्छा आता है और नॉइज़ थोड़ा कम आता है। नेक्स्ट जो है पैनोरामा मोड। पैनोरामा मोड में अगर आपको लॉन्ग पैनोरामा शॉट लेना है तो ऐसे करके सिलेक्ट करके ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये बटन यहाँ पर ऐसे जाएगा तो उसके बाद आप क्लिक करोगे तो पैनोरामा शॉट आप खींच पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रो मोड की। प्रो मोड की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है प्रो मोड कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए एक बात अच्छी है कि जो स्लोअर शटर है वो 32 सेकंड तक दिया है, ये काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर प्रो मोड में आप लेंस को चेंज करके अल्ट्रा वाइड लेंस भी यूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी एक अच्छी पॉइंट है। और बाद बाकी जो पॉइंट है वो मैंने जो प्रो मोड की वीडियो है उसमें डिटेल्स में डिस्कस किया है, इसीलिए यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं इसके वीडियो की। वीडियो ऑप्शन में आप सेटिंग में जाके देख सकते हो, यहाँ पर जो सेटिंग है वीडियो में देखो आप 4K वीडियो कर सकते हो, 1080 वीडियो कर सकते हो, 1080 30fps और 1080 60fps और 720 में 30fps, ये चार ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर वीडियो में स्लो मोशन भी है, टाइम लैप्स भी है। टाइम लैप्स और स्लो मोशन का जो सेटिंग्स है वो भी आप चेंज कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। यहाँ पर देखिए टाइम लैप्स इंटरवल आप चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर जो स्लो मोशन का सेटिंग है ये भी आप चेंज कर सकते हो कौन सी मोड में आपको स्लो मोशन चाहिए। इसका जो सेल्फी कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छा है, 32 मेगापिक्सल। इसका जो सेल्फ़ी कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए मैंने एक सेल्फी तस्वीर खींचा था इसके साथ, ये शायद विंटर में खींचा था। इसका डिटेलिंग देखिए काफ़ी अच्छा है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा है। सेल्फ़ी कैमरा में भी आप पोर्ट्रेट मोड यूज़ कर सकते हो, मतलब बैकग्राउंड ब्लार वाला सेल्फ़ी आप इस फ़ोन से खींच सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ सैम्पल फ़ोटोज़ की। ये देखिए मैं पहले मेन कैमरे को दिखाता हूँ। ये जो तस्वीर है ये मैंने मेन कैमरे से खींचा था, और इसके बाजू में देखिए ये वाइड एंगल जो कैमरा है उससे खींचा था, एक ही जगह से मैंने खींचा था। तो ये देखिए ये मेन कैमरा, और ये देखिए ये वाइड एंगल शॉट, ये भी मेन कैमरा से खींचा था, डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। ये देखिए ये मेन कैमरा से लो लाइट तस्वीर खींचा हुआ है मैंने, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हावड़ा ब्रिज का तस्वीर है, ये वाइड एंगल लेंस से मैंने खींचा था, जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है उससे खींचा था लो लाइट में, ये भी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से मैंने खींचा था। ये तस्वीर मैंने जो मेन कैमरा है उससे खींचा था। देखिए काफ़ी अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है लो लाइट में भी। ये एक ताज का रेप्लिका है कोलकाता में, ये भी मैंने जो मेन कैमरा है उससे खींचा था। देखिए लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इस फ़ोन की, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है, शार्प भी है तस्वीर। इस फ़ोटो को देखिए, ये भी मेन कैमरा से शूट किया था। तो आप देख सकते हो इस फ़ोटो में काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है, और जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छी स्मूथ ब्लार हुआ है। बहुत जूम करने से भी ये तस्वीर फट नहीं रही है, मतलब तस्वीर क्वालिटी अच्छी है। ये तस्वीर मैंने वाइड एंगल लेंस से खींची थी, ये तस्वीर को भी मैंने वाइड एंगल लेंस से खींची थी। और यहाँ पर देखिए एक वीडियो है, इस वीडियो को मैंने बाइक चलाते हुए खींचा था। यहाँ पर देखिए एक वीडियो है, ये वीडियो मैंने इस फ़ोन के वाइड एंगल लेंस से शूट किया था। तो आपने देखा इस फ़ोन से आप कैसे वाइड एंगल तस्वीर खींच सकते हो, कैसे लो लाइट तस्वीर खींच सकते हो, कैसे प्रो मोड यूज़ कर सकते हो, और वीडियो में स्लो मोशन और टाइमलेस वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। तो ओवरऑल इस फ़ोन में इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी है। अगर 15,000 के अंदर आप एक अच्छे कैमरे वाला फ़ोन ख़रीदना चाहते हो तो ये फ़ोन आप खरीद सकते हो।
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।